हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हरिहर राउत, आपको हरिहर उड़ीसा चैनल में स्वागत। दोस्तों, बहुत दिन से हमारा कोई वीडियो नहीं डल पा रहा था, तो अगस्त 15 के चलते थोड़ा बिजी रह गया था। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कटिंग ऑयल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, ये जो कटिंग ऑयल होता है, उसका जो यूज होता है वो इंडस्ट्रियल यूज में ज़्यादा होता है, क्योंकि किसी मटेरियल को काटने के लिए या ड्रिल करने के लिए हम जनरल तौर पर उसके हीटिंग को घटाने के लिए हम कटिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कटिंग ऑयल हम इंडस्ट्रियल में यूज करने के बावजूद भी उसे यूज करते हैं हम फिनाइल बनाने में। कुछ लोग उसे फिनाइल बनाने में के लिए भी यूज करते हैं कटिंग ऑयल को। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कटिंग ऑयल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं करूंगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला घंटी को दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पर हम हाउसहोल्ड प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का वीडियो लाता रहता हूं, जिसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलते हैं दोस्त, हम कटिंग ऑयल बनाएंगे। कटिंग ऑयल बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स लगता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये है ओलिक एसिड, और ये है मिनरल ऑयल। दोस्तों, ये हमारा पाराफिन लिक्विड है, ये व्हाइट मिनरल ऑयल है, मगर आप जो ब्लैक कलर का मिनरल ऑयल आता है आप उसे भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था, तो मैं इसलिए मैंने ये ऑयल को यूज कर रहा हूं। उसके बाद हम यूज करेंगे टी टाई इथेनोलामाइन, जो कि एक अल्कलाइन एजेंट है और थिकनिंग एजेंट भी है, जिसे हम कार्बोपोल में यूज कर रहे हैं। ये वही टी है जिसे हम कार्बोपोल में थिक करने के लिए यूज करते हैं। तो चलते हैं, पहले हम ले लेते हैं मिनरल ऑयल को। दोस्तों, मैं पहले बना देता हूं, उसके बाद उसका जो क्वांटिटी और मेजरमेंट है वो भी बोल दूंगा। दोस्तों, इसमें 1 लीटर का फॉर्मुलेशन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप जब बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो पहले हम ले लेते हैं मिनरल ऑयल 850 ml। दोस्तों, इसमें 850 ml मिनरल ऑयल डाल देते हैं। उसके बाद हम लेंगे ओलिक एसिड, दोस्तों ओलिक एसिड हम 100 ml या वेट करके ले रहे हो तो वो 100 ग्राम तक लेंगे। दोस्तों, हम ओलिक एसिड ले लिए हैं 100 ml। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा क्वांटिटी ले रहा हूँ, मगर 1 लीटर का फॉर्मुलेशन दे रहा हूँ आपको। दोस्तों, अब हम लेंगे TEA यानी ट्राई इथेनोल अमाइन 50 ग्राम या 50 ml तक। अब उसे डाल देते हैं उसमें। दोस्तों, अब ये तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, उसे जब आप मिक्स करेंगे, वो धीरे धीरे मिक्स होने के बाद ये ट्रांसपेरेंट भी आ जाएगा और थोड़ा सा थिक भी बन जाएगा। दोस्तों, अब हमारा कटिंग ऑयल बन के तैयार हो चुका है। दोस्तों, अब हम इस कटिंग ऑयल को यहीं से चेक करके देख लेंगे। तो हम थोड़ा सा कटिंग ऑयल उसमें डाल देते हैं, डाल के उसे मिक्स कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, अब हमारा कटिंग ऑयल बन के तैयार हो चुका है। जैसे ही आप उसे पानी में मिक्स करेंगे तो उसका जो कलर है वो व्हाइट आ जाएगा। दोस्तों यही से हमारा वीडियो खत्म होता है। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।